पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, वहाँ टॉप पर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्लॉग। तो शुरू करते हैं, होने वाली है मनाली टू दिल्ली। अभी मैं प्राइवेट बस स्टैंड के जस्ट उस तरफ आप देख रहे हैं, सारी जो बसेस खड़ी है सारी प्राइवेट बस खड़ी है वहाँ पर। अब थोड़ा टाइम था बस के लिए तो मैं थोड़ा नदी के पास आ गया। यहाँ तो बसेस खड़ी है वॉल्वो वॉल्वो सारी। देखो ये एक मलाणा की सामान रखने के लिए लगेज कंपार्टमेंट है। ये भाई आपको तो लगी वो खत्म तो खाते हैं खाना पहले। ये है हमारी बस। कहाँ जाना है आपको? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्लॉग। तो शुरू करते हैं अपनी एक और जर्नी। एक शानदार जर्नी होने वाली है। अभी वापस जाने वाला हूँ अपने मैं घर। अभी आज की जर्नी होने वाली है मनाली टू दिल्ली। अभी मैं प्राइवेट बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट साइड में खड़ा हूँ। अभी मैं माल रोड से आ रहा हूँ और उधर मेरे सामने है प्राइवेट बस स्टैंड। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा प्राइवेट बस स्टैंड है। गवर्नमेंट बस भी आपको यहीं से मिल जाएगी। ये रोड जो रोड है ये आपकी माल रोड है। आपको बस यहाँ समथिंग उतारती है, यहाँ पर कहीं बस उतारती है आपको। वहाँ से आपको पैदल चल के यहाँ से आना है, यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा और सीधा माल लोड आ जाएगा। अभी चलते हैं फिलहाल बस स्टैंड पे। प्राइवेट बस हमारा वेट कर रही है। अभी बस होने वाली है हमारी न्यू वाली वॉल्वो। मज़ा एकदम, मतलब पता नहीं चलता उस बस के अंदर की कुछ, मतलब गड्ढे वड्ढे आ रहे हैं नहीं आ रहे। अभी चलते हैं फिलहाल बस स्टैंड पे और दिखाते हैं आपको बस। उस तरफ आप देख रहे हैं सारी जो बसेस खड़ी है सारी प्राइवेट बस खड़ी है वहाँ पर। अब सरकारी बस स्टैंड भी बन चुका है और बाकी सरकारी बसेस ये दिख रही है आपको। ये सारी बसेस जो है हिमसोता की ये लगी हुई है। फिलहाल अभी हम चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, फिर आगे बात करते हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, वहाँ टॉप पर पूरा बर्फ जम रखी है पूरी ऊपर से। वहाँ तो पूरा दिख ही नहीं रहा, पहाड़ तो उधर वैसे लग रहा है आसमान मिल गया। उधर पूरा एकदम वाइट हो रखा है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। सो मैंने देखा नहीं, अब जाके नोटिस किया मैंने, ये तो पूरी बर्फ़ है। थोड़ा टाइम था बस के लिए तो मैं थोड़ा नदी के पास आ गया थोड़ा देखने के लिए। पानी एकदम बर्फ़ ज़्यादा ठंडा हो रहा है। दो मिनट पैर डाले पानी में और पूरे पैर सुन पड़ गए। तो मेरे को तुरंत दूसरे मोजे पहनने पड़ गए। सॉक्स चेंज करी मैंने, तब पैरों भी ऐसा लग रहा कुछ पता नहीं चल रहा पैरों में कि पैर नीचे है कि नहीं है। ये जो नदी है सामने देख सकते हैं, ये बस स्टैंड के जस्ट सामने ऊपर, वहाँ तो पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। एक डेढ़ हफ्ते में अगर बारिश पड़ गई तो तुरंत यहाँ स्नोफॉल हो जाएगा। तो अगर किसी को आना है स्नोफॉल देखने के लिए तो 1-1.5 या 10 दिन के अंदर अंदर आप आ सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी स्नो देखने के लिए यहाँ पर, स्नोफॉल सॉरी। यहाँ तो बसेस खड़ी है वॉल्वो वॉल्वो सारी। देखो ये एक मलाणा की बस खड़ी है, ये भी 9600 नई वाली वॉल्वो, इंटरसिटी की वॉल्वो ये भी नई वाली है। वो सामने उधर ये उसकी डेल्टन की वो भी नई वाली है, लक्ष्मी हॉलीडेज की, न्यू हिमालयास की, सबके पास नई वाली वॉल्वो। सामान रखने के लिए लगेज कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट 1, 2, 3 इतने सारे कंपार्टमेंट होते हैं इस बस में लगेज वगैरह रखने के लिए। डेल्टिन्स ट्रैवल। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर। सामने खड़ी है हमारी बस, चले इसके अंदर। अब तो फाइनली हमारी बस चल चुकी है मनाली प्राइवेट बस स्टैंड से। अभी टाइम हो रहा है 5:30, करेक्ट टाइम से बस हमारी निकल रही है यहाँ पर से।
मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको ट्रैवल जर्नी के बारे में। पहले बस थोड़ी से निकल जाए बाहर, फिर बताऊंगा क्या क्या इसके स्टॉप हैं, रूट क्या होने वाला है इस बस का। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि सबसे पहले प्राइसिंग का बताता हूँ आपको मैं कि इसका प्राइसिंग मैंने कितना पे किया था। मैंने इसके लिए जो प्राइस पे किया है 810 रुपये, जो कि है मनाली से दिल्ली के बीच। डिस्टेंस वगैरह तो आपको पता ही होगा पहले से ही, बट मैं फिर आपको बता देता हूँ एक बार। डिस्टेंस होने वाला है हमारा मनाली से दिल्ली के बीच का अप्रॉक्स 560 किलोमीटर या 570 किलोमीटर का इसका टोटल डिस्टेंस होता है। इसको कवर करने में हमको लगते हैं 14 घंटे अप्रॉक्स आपको लग जाएगा, 13 से 14 घंटे। अभी देखिए, जैसा आप देख सकते हैं 5:31 हो रहे हैं और निकल चुकी है बस हमारी मनाली से। इसके बाद जो उसका नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वो आएगा हमारा कुल्लू। कुल्लू के बाद हमारा आएगा कुल्लू के जस्ट थोड़ा सा आगे हमारा पड़ता है भुंतर। भुंतर से आप बस ले सकते हैं, कुल्लू से भी ले सकते हैं, बट कुल्लू से आपको कुल्लू बाईपास से बस लेनी पड़ेगी। भुंतर मार्केट से आपको बस मिल जाएगी लेफ्ट बैंक पे। उसके बाद आएगा आपका ओट। ओट टनल को हम क्रॉस करेंगे, फिर मंडी बिलासपुर होते हुए बस जाएगी हमारी चंडीगढ़, और सोनीपत पानीपत होके लास्ट में पहुँचेगी ये दिल्ली। देखते हैं बस को कितना टाइम लगता है यहाँ से हमारे को पहुँचाने में दिल्ली। पंडोर डैम बेसिकली बस यहाँ से उधर जाती थी, पता नहीं इस बार यहाँ से नीचे क्यों मुड़ी है। अरे साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा हुआ ना टनल है, ऊपर से हाईवे बना रहे हैं, फुट ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज की वजह से दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर 10 मिनट आधे घंटे के लिए रुकेगी भाई, किसी ने खाना वगैरह खाना हो तो यहाँ पर खाना खा लेना, बाकी गाड़ी खाने के लिए नहीं रुकेगी कहीं भी। आधे घंटे में खाना खा के गाड़ी में आ जाना भाई सभी लोग। अब मैंने बस रुकी है एक जगह खाना खाने के लिए, मंडी और सुंदरनगर के बीच में कोई जगह है, जगह का नाम है मयूर रेस्टोरेंट। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी शायद दिख रहा होगा मयूर रेस्टोरेंट, ये सामने है। भाई आपको तो लगी भूख, हम तो खाते हैं खाना पहले। मैंने सा खाना तो खा लिया, 320 रुपये की थाली पड़ी, जिसमें दो रोटी थी, दो तीन सब्जी थी, सैलेड था और राइस थे, और स्वाद काफ़ी अच्छा था। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा एक बार। नीचे भी आई थिंक ऊपर भी है पूरा, सामने है वॉशरूम वगैरह, किसी को जाना है तो। ये है हमारी बस ब्लू वाली डेल्टिन्स ट्रैवल्स की। ये खाना खा लिया, थोड़ा पचाने के लिए चल रहा हूँ, सुबह से तो काफ़ी चल चुका हूँ इससे पहले मैं भी। मयूर होटल, टाइम तो बताया नहीं, टाइम हो रहा है हमारा 9:15 समथिंग, बस रुक चुकी थी, अभी 9:40 हो रहा है। जाता हूँ बस में बैठने के लिए, अभी मुझे थोड़ी थकान हो रही है, चल चल गया सुबह से।
ठंड चालू होगी फिर से, चलते हैं अंदर जाके बैठते हैं थोड़ा सा यार, अभी थोड़ा रेस्ट कर देते हैं बॉडी को, सुबह जॉब पे भी जाना है, चलते हैं सीधा अंदर। अब पहले मैं आपको दिखाना भूल गया, ये है इसकी कुछ सीट जो पूरी रिक्लाइन हो जाती है, यहाँ पर बटन है पुश करने के लिए, जैसे पुश करेंगे तो आपकी सीट आगे आ जाएगी। नीचे आपका ये है काफ रेस्ट, ऊपर ये एसी वेंट है, ये रीडिंग लैंप के लिए लाइट के स्विचेस हैं बट अभी काम नहीं कर रहे, ये एसी वेंट के लिए आप उसको घुमा सकते हैं। अभी बस हमारी निकलेगी यहाँ से, खाना खा लिया है मैंने, 9:45 पर सो चुके हैं, बस थोड़ी देर में ऐसे निकलेगी, अब इसका कोई स्टॉप नहीं है, इसके बाद सीधे दिल्ली रुकेगी, तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, आप जर्नी को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जब बस को हम डिबोर्ड करेंगे दिल्ली में सीधा। जस्ट क्रॉस किया है चंडीगढ़, अभी हम चल रहे हैं करनाल की तरफ, फॉग काफ़ी ज़्यादा है, सुबह के आप देख सकते हैं 2:55 हो चुके हैं, रास्ते में पूरा फॉगी फॉग है, बस की स्पीड से थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, अभी आराम करते हैं, थोड़ी देर बाद आने वाला है हमारा दिल्ली, मुश्किल से 2 या 3 घंटे और लगेंगे हमारे को दिल्ली पहुँचने में, अब सीधा मिलते हैं आपको कश्मीरी गेट। फाइनली आ चुका है हमारा स्टैंड, हम निकालते हैं पहले अपना बैग, मेरी फ्रंट की सीट है तो पहले मैं अपना बैग निकाल लेता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर, बस को करते हैं डिबोर्ड, निकलते हैं बस से बाहर और ओला या उबर करते हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम समथिंग 4:30 हो रहा है तो हमको कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ से भी, क्योंकि मेट्रो चलती है हमारी 6 बजे के बाद, तो इतने देर में वेट नहीं कर सकता। सामने खड़ी हमारी डेल्टन की बस, इसको करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं अपने घर की तरफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो जा रही है हमारी बस, इसको कर देते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।